फिर मोरियंस ऑल्सो कंट्रोल द ट्रेड रूट्स बिटवीन ऑल दिस सिटीज एंड टैक्सेस एंड ट्रिब्यूट्स वर कलेक्टेड रेगुलरली। जो मोरियंस थे, मतलब मोरियंस यानी जो मौर्य एम्पायर, मौर्य सल्तनत के जो लोग थे या मौर्य जो चलाते थे, जो मौर्यन एम्पायर चलाते थे, उनको मोरियंस बोलते थे, ठीक है। वो अपना जो ट्रेड यानी तिजारत का जो रास्ता है जितने भी शहरों में, वो उस सब पे कंट्रोल करते थे, वो सब अपने हिसाब से चलाते थे। और वो टैक्सेस जमा करते थे, टैक्स जो बाकी लोग बाकी शहरों से, इन सभी शहरों से लेके आते, शहर हो, कस्बे हो, गाँव हो, इन सब से लेते। एंड ट्रिब्यूट्स वर कलेक्टेड रेगुलरली। ट्रिब्यूट्स क्या हो गया, एक ऐसी चीज़ जो कोई किसी बादशाह को दे, ठीक है, ये पे करनी हो, मतलब एक मान लो वहाँ पे क्या होता है, जैसे कोई पैसे के हिसाब से, कोई शहर में रह रहा है तो वो पैसा देगा, कोई गांव में रहता है वो क्या देगा, वो अनाज देगा, तो कोई अगर जंगलों में रह रहा है वो फल वगैरह, जो भी जानवर अगर कुछ ज़रूरत है, जंगली जानवर अगर एम्परर को ज़रूरत हो या एम्परर की मौर्यन एम्पायर को ज़रूरत होती थी वो देते थे। अकॉर्डिंग टू अर्थशास्त्र द नॉर्थ वेस्ट वॉज फेमस फॉर ब्लैंकेट्स। जो उस टाइम पे अर्थशास्त्र थे उसके हिसाब से, अर्थशास्त्र यानी जो इकोनॉमिस्ट थे, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमी, मतलब जो इकोनॉमी थी उसके हिसाब से, जो नॉर्थ वेस्ट जो जगह है उस टाइम पे मौर्यन एम्पायर की, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो ये वेस्ट है, तो जो इसके और इसके बीच में नॉर्थ साउथ, तो नॉर्थ ये साउथ ये वेस्ट, तो इन दोनों के बीच में जो जो माना जाता था कि यहाँ पे सबसे जो फेमस है किस लिए, ब्लैंकेट्स, कंबलों के लिए मशहूर है। एंड द साउथ फॉर गोल्ड्स एंड जेम्स। जो साउथ एरिया था, ये वाला एरिया, यहाँ पे क्या थे, सोना था और जवाहरात थे, जवाहरात जिसको बोलते हैं, तो इसके लिए यहाँ पे मशहूर था ये। दीज रिसोर्सेज माइट ऑल्सो हैव बीन कलेक्टेड एज ट्रिब्यूट्स। और इन चीज़ों को जो क्या करते थे, किसी जैसे मान लो ये जो ये वाला एरिया था जो कंबल के लिए मशहूर था, तो यहाँ से कंबल लिए जाते थे, ये बोलते थे कि हर सालाना हमको इतने कंबल आने चाहिए यहाँ से, या इस तरह के कंबल होने चाहिए, तो इस तरफ से बोलते थे कि हमें सोना चाहिए या जवाहरात चाहिए, तो हमें सालाना टैक्स के हिसाब से मिलना चाहिए, ठीक है। ऑल्दो फॉरेस्ट वर मोर और लेस इंडिपेंडेंट, दे हैड टू पे ट्रिब्यूट्स इन द फॉर्म ऑफ एलिफेंट्स, हनी, टिम्बर एंड वैक्स। तो जो वहीं जो जंगल है, जंगल में तो कोई चीज़ फिक्स नहीं होती थी, तो वो उनके ऊपर वो कम दारमोदार था उनका, वो क्या, वो अपना जो ट्रिब्यूट, अपने जो चीज़ें क्या देते थे वहाँ पे, वो या तो हाथी देते थे सरकार को ताकि हाथी काम चलाए, हनी यानी शहद, टिम्बर यानी लकड़ी, तो ये सब चीज़ें वो अपनी अपनी तरीके से हर कोई तरह का लोग देते थे, तो इसी से वहाँ की जो सरकार थी वो चलती थी। तो ये जो है, ये मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन है आपका, देखिए मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो ब्राउन सा एरिया है, ब्राउन एरिया जितना भी है, मतलब ये मौर्य का एम्पायर था, इतना एरिया। देखिए ये कांधार है, यहाँ पे कांधार आता है इधर, क्या बोलते हैं, अफ़गानिस्तान, फिर लंप का, पुष्कलावती, तक्सला एक हिसाब से पाकिस्तान के आसपास ही आता है, ये सब पटाला, ये जिसको आज पटियाला बोलते हैं, ये सब आता है इंद्रप्रस्थ यानी दिल्ली। तो ये जो एरिया है, जो ब्राउन एरिया है, ये सब मौर्यन एम्पायर में आता था। तो आप ये देखिए, ये जो रेड रेड साइंस, पहले सबसे पहले मेन कैपिटल थी इसकी तक्षशिला, ये यहाँ पे है तक्षशिला, फिर आता है अदर सिटीज, जो बड़े बड़े शहर थे, ये जो डॉट्स है जहाँ पे, फिर पिलर जहाँ जहाँ इन्होंने बनाए थे, अशोका पिलर कांधार में है या रानीगढ़ में है, कलसी जो दिल्ली, तो मेरठ, इन जगहों पे इन्होंने बनाए थे, फिर मेजर रॉक एडिक ऑफ अशोका, फिर जहाँ पे ये जो डब्बे बॉक्स स्क्वायर बॉक्सेस है, गिरनार में है, सपोरा में है, इन्होंने अपनी छाप छोड़ी है,
तो ऐसे ही इन्होंने, ये इनका एरिया था, जितना भी ब्राउन एरिया है ये सब अशोका मौर्यन एम्पायर का है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। अगर कोई दिक्कत आती है प्लीज़ मुझे बताएं, बाकी हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।